श्री गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारि हंस सेभ्यं सनमान ताले परिपीत पराग पुंजन दोर्वादरद्वितितनुंतर्याद्यनेत्रं हेमांबरं वरविभूषण भूषितांगं कंदर्प कोटिकमणि किशोरमूर्तिं कोटिं मनोरथ भुवां भज जानकी सं। अध्यात्म रामायण में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी अथ राजा दशरथा श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपतिर्वीरा सर्वलोकेषु विस्तृतः। अथ राजा दशरथा श्रीमान सत्यपरायण। देखो अथ और ओम ये दो शब्द पूर्व काल में ब्रह्मा जी का कंठ फाड़ करके बाहर निकले, तेन मांगलिका उभो, इसलिए दोनों मांगलिक कहे गए। तो जैसे कोई नई कथा चालू करना है और मंगलाचरण नहीं करना है तो क्या करें, तो अथ कह दो। अथ माने मंगलाचरण हो गया। तो राम जन्म की कथा कहने के समय भगवान शंकर ने अथ शब्द का उच्चारण किया, बोले अथ राजा दशरथा श्रीमान सत्यपरायण। राजा, राजा माने राजते इति राजा, जो सिंहासन पर बैठ करके शोभा दे, शोभा पावे, उसे राजा कहते हैं। दशरथा श्रीमान सत्यपरायण। अब राजा दशरथ की हम कथा कहते हैं, कैसे दशरथ जी हैं श्रीमान। श्रीमान माने स्त्री शोभा संपन्न, सत्यपरायणा सत्य का आश्रय लेने वाले हैं, अयोध्याधिपतिर अयोध्या के अधिपति हैं, वीरा पांच प्रकार के वीर होते हैं, वीरा शब्द में पांचों का वाचन, अयोध्याधिपतिर वीरा सर्वलोकेश विश्रुता और सारे लोकों में विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। अब अनुवाद देखो, तुलसीदास जी लिखते हैं अवधपुरी रघुकुल वेद विदित दशरथ नाम अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मनि राव। अयोध्यापुरी में जो रघुवंश की मणि हैं, ऐसे वेद प्रसिद्ध दशरथ नाम के एक राजा हैं। कैसे, बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी। राजा दशरथ कैसे हैं, बोले धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर का अर्थ है धर्म की धुरी को धारण करने वाले। गुण निधि ज्ञानी, गुण निधि है गुणों के भंडार है, ज्ञानी है और कैसे व्यक्ति है। आ तो राजा के दिल में क्या होता है सब लोग जानते हैं, पर दशरथ जी वैसे राजा नहीं है। बोले हृदय भगत, दशरथ जी के हृदय में भगवान की भक्ति है और मत सारंग पानी,
मति माने बुद्धि में कौन है? सारंग पानी। सारंग पानी, ये सारंग पानी शब्द का अपभ्रंश है। सारंग पानी भगवान विष्णु का नाम है। सारंगा पाणिर यस्य सा एव सारंग पाणी। सारंग धनुष है पाणी में जिसके, सारंग धनुष जिसके हाथ में है उस परमात्मा का नाम है सारंग पाणी। तो राजा दशरथ के हृदय में भक्ति है और बुद्धि में सारंग पाणी है, उसके अतिरिक्त उनकी बुद्धि में कुछ नहीं। तीन रानियां हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और तीनों रानियों में खासियत क्या है? तुलसीदास जी लिखते पति अनुकूल प्रेम दृढ़। पति के चरणों में तो अनुकूल प्रेम है, पर पति के साथ साथ परम पति के प्रति भी श्रद्धा है। जैसा कि आजकल तमाम कथावाचक लोग कह देते कि स्त्री के लिए तो एक ही धर्म है, और उदाहरण दे देते मानस का कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो तो बात सही है, पतिव्रता होनी चाहिए, पर भगवान तो सबके पति हैं। वो तो स्त्रियों के भी पति हैं और पुरुषों के भी पति हैं। स्थावर जंगम जगत सबके पति हैं, इसीलिए उनका नाम है जगतपति। जगतपति का अर्थ पति शब्द पापाने धातु से, पा रक्षण धातु से बना है। पाति रक्षतीति पति, जो सबका संरक्षण करे उसको पति कहते हैं, है नहीं? इसीलिए राष्ट्रपति का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की रक्षा करने वाले। लेकिन वो पति का जो अर्थ नहीं जानते, वो कहते हैं राष्ट्र कोई पत्नी है जो राष्ट्र का पति है, तो ऐसे ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। संसार में अगर पढ़े लिखे नहीं तो अनर्थ करोगे अर्थ का। तो तीनों रानियां कैसी हैं? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और हरिपद कमल विनीत। पति के चरणों में भी उनका प्रेम है और जगत पति के भी चरणों में प्रेम है, ऐसा आदर्श है तीनों रानियों का। अब आगे वर्णन करते हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। अनुवाद देखो, इस चौपाई को तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है अध्यात्म रामायण से। बोले सोन पत्यत्त दुखेन पीड़ितो गुरु में कदा वशिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवाद्येदम ब्रवीत। सोन पत्यत्त दुखेन पीड़ितो गुरु में कदा। सो ओ की मात्रा जहां हो, जैसे जहां रामो लिखा हो या कृष्णो लिखा हो या नरो लिखा हो, वहां पर ओ शब्द का अर्थ होता है विसर्ग। समझ गए? जैसे जहां रामो लिखा है वहां अर्थ होता है रामा। तो सो का अर्थ है सह। सोन पत्यत्व दुखेन पीड़ितो गुरु में कदा, सह एकदा अन अपत्यत्व दुखेन पीड़िता। वह राजा दशरथ एक दिन मेरे कोई संतान नहीं है इस दुख से बहुत पीड़ित है। अनुवाद है कि नहीं? अपत्य माने होता है पुत्र, अन अपत्यत्व माने होता है बिना पुत्र का। मेरे कोई संतान नहीं इस दुख से पीड़ित हुए और वशिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवाद्येदम अब्रवीत। स्वकुलस्य आचार्यम वशिष्ठम प्रतिगत्वा इदम वाक्यम अब्रवीत। अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ के प्रति जा करके ये कहा। और तुलसीदास जी उसे अनुवादित करते हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। ग्लानी हुई, और ग्लानी हुई तो तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए।
समाधान तो गुरुदेव देगा, गुरु के अतिरिक्त कहीं समाधान नहीं। इसीलिए जितने संसार में बिना गुरु के हैं, मनमुखी प्रतिभा के हैं, वो तुम्हें समाधान नहीं दे सकते, उस विषय पर बोल सकते हैं। बकना और सैद्धांतिक पक्ष रखना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत पक्ष तब तक तुम नहीं प्रस्तुत कर सकते हो जब तक तुमने गुरुदेव की शरण नहीं ली। राजा दशरथ को ग्लानि हुई, तकलीफ हुई, तुरंत गए गुरुदेव के पास और हाथ जोड़ करके बोले, स्वामिन पुत्रा कथम मे स्यु सर्वलक्षण लक्षिता पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वं दुखाय कल्पते। भो स्वामिन, हे गुरुदेव भगवान, सर्व लक्षण लक्षिता मैं पुत्रा कथम स्यु, सारे लक्षणों से युक्त मेरे पुत्र कैसे हों ये बताओ, क्योंकि बिना पुत्र का ये राज्य मेरा दुख का कारण बना हुआ। पुत्र ना हो तो प्रॉपर्टी ना हो, उनको कम कष्ट होता। भाई जिसके घर में संतान ना हो और प्रॉपर्टी ज्यादा ना हो तो कोई दुख नहीं होता बहुत ज्यादा, पर किसी के अथाह अकूत संपत्ति हो और आगे का वारिस ना हो तो उसको बड़ी वेदना होती, बड़ा कष्ट होता है। राजा दशरथ ने बात स्पष्ट कही, पुत्र हीनस्य में राज्यम सर्वम दुखाय कल्पते, बिना पुत्र का ये राज्य दुख का कारण बना हुआ है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो कही बसित बहु निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। वशिष्ठ जी ने गुरुदेव से अपने दुख के बारे में भी बताया और सुख के बारे में बताया, जबकि आजकल चेले अपने गुरु से केवल दुख के बारे में बताते और गुरु भी चेले का सुख सुनना चाहते हैं। बड़ी विडंबना है, चेला गुरु को अपना दुख ही बताना चाहता है, सुख के बारे में बिल्कुल क्लोज रहना चाहता है और गुरु चेले का दुख सुनना नहीं चाहता। वो कहता सुख के बारे में बताओ, सुख शेयर करो, दुख मत बताओ। और इसीलिए तो गुरु चेलों में ज्यादा दिन नहीं पटती नहीं। पर वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी ने सुख भी बताया, दुख भी बताया। तब फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुम बड़े परेशान लग रहे हो, पुत्र के लिए परेशान हो, तुम्हारे पुत्र होंगे। ततो ब्रवीत वशिष्ठस्तम भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारा सत्व संपन्ना लोकपाला इवा परा, लोकपाला इवा परा। ततो ब्रवीत वशिष्ठस्तम, इसके बाद में तथा तदनंतरम तम वशिष्ठम प्रति, तम दशरथम प्रति वशिष्ठा अब्रवीत, इसके बाद में वशिष्ठ जी के ने दशरथ के प्रति कहा, भविष्यन्ति सुतास्तव तुम्हारे पुत्र होंगे। बोले महाराज हम तो एक ही पुत्र के लिए परेशान, तुम भविष्यन्ति कह रहे हो। भविष्यन्ति माने बहुवचनांतर प्रयोग है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, कई पुत्र होंगे ये अर्थ निकल रहा। बोले हाँ कई पुत्र होंगे, कितने? बोले चत्वारा, चार पुत्र होंगे। सत्व संपन्ना, चारों सत्वगुणी होते, वो चार चार पुत्र तो बहुत होंगे। चार पुत्र हैं, पता लगा पिता के काम कोई नहीं आ रहे, दो जेल में, दो शराब पी पर घूम रहे, बाप कुछ बोले तो गाली खाए, तो इन चार पुत्रों से क्या फायदा,
वशिष्ठ जी बोले चार पुत्र होंगे, चारों सतोगुणी होंगे। लोकपाला इवा परह अपरह लोकपाला इव, दूसरे लोकपालों की तरह चार पुत्र होंगे, तुम धैर्य धारण करो। गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का, बोले धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर त्रिभुवन विदेश सकल भय हारी, धरव धीर हुई है सुत चारी। हे राजन तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे और बिना धैर्य के किसी को भी सफलता नहीं मिलती। धरव धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। बोले फिर होंगे कैसे? बोले इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ से सब कुछ संपन्न हो जाता है। बोले सरैवा चोतरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयतां, सरैवा चोतरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयतां, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञशाला बनाओ। बोले आचार्य जी को हम लाएंगे। बोले कौन आचार्य? तब फिर बताते हैं, शांता भरतारमानी रेश्य श्रृंगम तपोधनम अस्माभिः सहिता पुत्र कामेष्टिं शीघ्रमाचर, कामेष्टिं शीघ्रमाचर। शांता भरतारमानी, शांता के पति श्रृंगी ऋषि को हम यज्ञाचार्य के पद पर नियुक्त करेंगे। बोले उनमें क्या खासियत है? बोले तपोधनम, वह तपोधन है। तपोधन माने तपः एव धनम यस्य, तप करना ही जिनका धन है। ऐसे आचार्य जिनके जीवन में तपस्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दिन रात भगवत भजन ही किया करते हैं। और आपको बताएं आजकल अधिकांश अनुष्ठान असफल रहते हैं। क्यों? अनुष्ठान करने वालों के भीतर में तप नहीं है। आचार्य की तपस्या ही तुमको फलवती होती है। जो कोई महामृत्युंजय कर रहा है और भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी ही ज्यादा निष्ठा नहीं है, तो बताओ भोलेनाथ कैसे कृपा करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करे और प्रार्थना करते करते गदगद हो जाए, भावुक हो जाए और उस आचार्य के आंखों में आंसू आ जाए, महाराज ये हमारा यजमान है, इसका काम तुम्हें जरूर करना है। अगर करुण हृदय से कोई प्रार्थना भगवान को सुनाई जाएगी तो हम समझते हैं कि भगवान उसको इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर मानेंगे। पर ऐसे आचार्य हितकारी कहाँ हैं? ऐसे हितकारी आचार्य जब भी मिल जाएंगे तुम्हें, तब तुम्हारा काम हल हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि ऐसे आचार्य हैं जिनका तप ही धर्म है, तपस्या करना ही उनका मूल है। तो श्रृंगी ऋषि आचार्य बनेंगे और अस्माभिः सहिता हम लोगों के साथ में पुत्र कामेष्टिं शीघ्रमाचर, पुत्र काम यज्ञ
का शीघ्र अनुष्ठान किया जाएगा। श्रृंगेरी सिंह बसेक बुलावा, काम शुभ के वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र की कामना से शुभ यज्ञ करवाया। यज्ञ कर्म समारे वे मुनिभिर वीत कलम सही। देखो बड़ी पॉइंटेड बात है, यज्ञ कर्म में कैसे आचार्य नियुक्त किए गए, बोले मुनिभिर बीत कलम सही। मुनिभी बहुवचन वचन है तृतीया का, मुनि शब्द जो है तृतीया का बहुवचन है मुनिभी, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभी, महात्माओं के द्वारा यज्ञ कर्म समारे भी यज्ञ का कर्म चालू हुआ और कैसे महात्मा, बोले बीत कलम सही है, जिनके सारे कलमस पाप समाप्त हो गए, जिन आचार्यों में कोई खुराफात नहीं। तो महामृत्युंजय जपा जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पर माला भी पूरी नहीं होती, लोग पुड़िया खा लेते। अच्छा पुड़िया खा करके कोई जप करेगा तो कैसे जप सिद्ध होगा, उसका मुंह ही जूठा है। उच्छिष्ट मुख से जो कुछ पूजा पाठ भजन ध्यान करोगे वो तुम्हारा सब अनर्थ माना जाता है, वो सिद्ध नहीं होगा। तो जितने आचार्य हैं सब कर्मनिष्ठ हैं, फिर श्रद्धा पूर्वक हवन किया गया। श्रद्धया होय माने गनो तप्त जाम्बो नद प्रभा, संसार पात्र नहीं तो वाच हर सेवा, मानेग्नो। बहुत सुंदर बात, श्रद्धा के द्वारा दशरथ जी ने अग्नि में हवन किया। किसी को कुछ कुछ दो, हवन करो तो श्रद्धा से करो। अगर श्रद्धा नहीं है तुम्हारे में, ऐसे डांड भरने के लिए कोई काम करोगे तो जो कुछ करोगे उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझ लो। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चातत् प्रेत्यनो इह। ध्यान दे, अश्रद्धया हुतम दत्तम गीता का श्लोक है। अश्रद्धा के द्वारा जो हवन किया जाता है, अश्रद्धा के द्वारा जो दान किया जाता है, अश्रद्धा के द्वारा जो तपस्या की जाती है, और कृतम च यत् अश्रद्धा के द्वारा जो जो कुछ किया जाता है, असदित्युच्यते पार्थ, हे अर्जुन वह सब मिथ्या है, झूठ है, उसका फल न इस लोक में मिलता न परलोक में, न चा तत्प्रेत्य, न प्रेत्य माने मरने के बाद, उसका फल न मरने के बाद में है नो ई है न इस लोक में। इसीलिए श्रद्धा के द्वारा हवन करना चाहिए। हवन में आहुति डालो तो ऐसे आहुति डालो कि हम भगवान के मुख में ग्रास दे रहे हैं।
ऐसे हवन करना चाहिए। बहुत लोग तो हवन तो करा लेते हैं, कभी कभी भगवान ने पैसा दिया खूब सुननी है, सोते एक बड़ा हवन कराएंगे तो बड़ा फल मिलेगा, ये उसके हिसाब से आकलन कर लेते हैं कि पैसा ज़्यादा खर्च कर देंगे तो ज़्यादा फल होगा। अच्छा नवरात्र आ रही है, लोग अमूमन बोल देते हैं पंडित जी पैसा चाहे जितना लगे बढ़िया ठीक ठाक हवन हो जाए, तो उन्होंने भी खूब भरपूर सामग्री लिख दी। अब पता लगा 11 किलो का साहित्य साकल्य बन गया, हवन चालू हुआ। पहले थोड़ी देर आधा घंटा तो पूजा पाठ हुआ, उसके बाद में हवन चालू हुआ। अब बड़ा हवन है तो बड़ी देर तक बैठना भी तो पड़ेगा, तो अब आधा घंटा हुआ हवन करते करते, फिर पूछते पंडित जी कितने अध्याय हुए, तो पंडित जी बोले अध्याय हुए ही कहाँ है अभी, अभी तो अध्याय हुए ही नहीं है। तो यजमान सोचता है हे भगवान इनके अध्याय हुए हो या ना हो, हमारे सब हुए जा रहे हैं, तो उसने पैसा है मौज मस्ती का जीवन दिया, साधना तो की नहीं। अब एक दो अध्याय तो हवन हुआ, अब बार बार पूछ रहा है कि अध्याय कितने हुए, जबकि अध्याय शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसी दुर्गा सप्तशती में लिखा अध्याया हरते प्राणान, अध्याय शब्द का उच्चारण करोगे तो प्राणों का हरण होगा। अध्याय इति बद्ध, ये तीन शब्द वर्जित हैं। हाँ पर वही बात है, जो परंपरा में नहीं गए हैं तो वो तो बोलेंगे ही सब। एक नया आदमी था तो उसमें लिखा होता विनियोग छोड़ दे, कर्मकांड की किताब पुस्तक में लिखा होता कि ये मंत्र पढ़ करके विनियोग छोड़ दे, तो उसने उसको पढ़ा ही नहीं, कहा वो तो किताबें में लिखा है विनियोग छोड़ दे। अब उसे पता ही नहीं विनियोग छोड़ना क्या होता है, तो उसने वो टॉपिक छोड़ दिया। अब धीरे धीरे 13 अध्याय है उसको मालूम है, और 2-3 अध्याय में ही उसकी सारी अकड़ निकल गई। तो अब उसने सोचा कि एक उपाय है, क्या अगर हवन सामग्री खत्म हो जाए तो पंडित जी क्या अपने घर से थोड़े नहीं ले आओगे, तब तो छुट्टी मिल ही जाएगी। तो उसने तरकीब निकाली और जितने नातेदार रिश्तेदार या घर के आदमी थे सबसे खुद ही कहने लगा आओ तुम भी आओ, चले आओ, थोड़ा तुम भी आहुति कर लो। अच्छा उनको क्या मालूम आहुति करना, जिंदगी में ऐसे ऐसे यजमान हम लोगों को मिल जाते हैं दुर्भाग्य से कि पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी पैंती नहीं पहनी, पवित्री धारण ही नहीं की, 60-70 वर्ष के हो गए हैं जब पवित्री पहनवाते हैं तो कहूँ यही माँ पहरे बैठे, कहूँ यही माँ बिचू में पहरे बैठे, वो जनते ना ही जिंदगी भर गन्ना छोड़ लें, कहा जाने की मैंने पैती कैसे पहनी जाती। तो सबको बुलवा करके और मुट्ठी भर भर करके झोंक दिया, और तब जाकर के खुश हुए कि चलो बहुत जल्दी समाप्त हो गया, अध्याय हुए हो या ना हुए हो हवन हो गया सर। ऐसे कोई फल नहीं मिलता, ऐसे न करने के बराबर है। हवन करो तो श्रद्धा से, दशरथ जी ने श्रद्धा से हवन किया। श्रद्धा हुए माने घनो तप्त जाम्बो नद प्रभा, पायसम स्वर्ण पात्र स्थम गृहीतो वाच हव्यवाट। जब श्रद्धा से हवन किया तो तत्व जाम्बू नद प्रभा, जाम्बू नद सोने का पर्यायवाची शब्द, तपाए हुए सोने की तरह चमचमाते हुए अग्नि भगवान सोने के पात्र में खीर लेकर के प्रकट हो गए। पायसम स्वर्ण पात्र स्थम गृहीतो वाच हव्यवाट, अग्नि भगवान ने श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी को वो खीर दे दिया, कालो मारा। तो आज भी हवन जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो अब इतनी तो साधना नहीं कि अग्नि भगवान खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो जाए, तो भगवना मंगवा लेते यजमान से, कहते भगवना तुम ले आओ और सब इंतजाम करो, खीर हम बनवा लेंगे इसी में।
वो तब से लेकर के अब तक परंपरा चली आ रही है। तुलसीदास जी अनुवाद करते हैं, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरण पर लीने, प्रगटे अग्नि चरण पर लीने, प्रगटे अग्नि भगत सहित मुनि आहुति दीने, श्रद्धा हुए माने एकदम तप्त जांबू नदक प्रभा, भक्ति के साथ आहुति दी तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और फिर अग्नि भगवान ने उस खीर को क्या किया, बोले वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञा तो ददौ हवि, वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम, देखो अग्नि भगवान दशरथ जी को क्या जाने, वो तो आचार्य को जाने, आचार्य को दे दिया, ब्रह्मा का पद वशिष्ठ के पास में था और आचार्य श्रृंगी ऋषि थे, तो वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हवि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को हव्य दे दिया। वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने दोनों लोगों ने मिलकर के वो हव्य दशरथ जी को दे दिया और बोले अपनी पत्नियों में बांट दो, या हव्य बांट दे नृप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। अब अध्यात्म रामायण के मतानुसार भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि वहां पर राजा दशरथ की दो ही रानियां थी, कौशल्या और कैकेयी, तो दशरथ जी ने दो रानियों में ही आधी आधी खीर बांट दी। कौशल्या ये कैकेयी अर्धम अर्धम प्रयत्नतः, बड़े प्रयत्न से कौशल्या और भगवती कैकेयी को आधा आधा हिस्सा दे दिया। तब तक किसी ने सुमित्रा को बताया, अरे तुम तो यहां हो, वहां पुत्र दायनी पायस बट रही, तो सुमित्रा जी वहां से भागी, भाग करके आई, तथा सुमित्रा संप्राप्ता जग्रघ्नो पौत्रिकं चरुं, पुत्रदायिनी पायस के लिए सुमित्रा दौड़ती हुई चली आई। अब पायस तो बट चुकी थी, खीर दो भागों में विभक्त हो चुकी थी, पर सुमित्रा को मायूस देख करके, दुखी देख करके भगवती कौशल्या का हृदय भावुक हो गया, गदगद हो गया। कौशल्या ने सोचा मेरे पुत्र होगा और इसके पुत्र नहीं होगा तो ये जीवन भर दुखी रहेगी, और ये जीवन भर दुखी रहेगी तो मेरे सुख से क्या मतलब, घर में कोई एक आदमी दुखी हो और दूसरा सुख उठा रहा हो तो उसके सुख का भी कोई मतलब नहीं। तो कौशल्या जी ने अपनी खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या तू स्वभागार्धम ददौ प्रीति समन्विता, और बड़े प्रेम से दे दिया आधा भाग। अब कौशल्या ने जब आधा भाग दे दिया तो लोग देखा देखी में दान करते, जब कौशल्या ने दे दिया तो कैकेयी तू स्वभागार्धम ददौ तस्य मुदान्विता, उपभुज्य चरुं सर्वास्त्रियो गर्भ समन्विता। कैकेयी ने भी आधा हिस्सा दे दिया और सुमित्रा के पास दो हिस्सा हो गए, और चौथाई चौथाई हिस्सा कैकेयी के और कौशल्या के पास बचा,
उपभुज चरम सर्वास्त्रो गर्भ समन्विता, इस प्रकार से सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भली हृदय हर चित सुख भारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार से सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। अब जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं उस दिन से सारे विश्व ब्रह्मांड में आनंद छा गया। या दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, पूरी प्रकृति सुंदर हो गई। बन कुसुमित गिरे गन मनियारा, उत्रमही सकल सरितामृत धारा। अब देखो वहां अध्यात्म रामायण को हटा करके ये चौपाइयां श्रीमद् भागवत से अनुवाद कर दी तुलसीदास जी ने, कृष्ण जन्मोत्सव से ले ली श्रीमद् भागवत से। नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहस्त्रिया, दजाल कुल सन्नादा तब का बन राजया, बनम कुसुमितम दिव्यम राकेश कर रंजितम। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रमय सकल सरितामृत धारा, सभी नदियां अमृत जैसा जल बहाने लगी। कहने का मतलब है जैसे किसी गांव में मुख्यमंत्री का आगमन हो तो उस गांव में उस जिले के सारे आला अफसर तुमको दिखाई पड़ेंगे, डीएम एसडीएम एसपी तहसीलदार सब तुमको मिलेंगे उसी गांव में, और कहीं भी कूड़ा नहीं दिखेगा, चाहे अपने पैसे से मिट्टी डलवानी पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री अगर गांव में तुम्हारे आ जाए तो ये दो ही तीन दिन में तुम्हारा पूरा गांव चमचमाने लगे। क्यों? ये तुम्हारे गांव के लिए नहीं हो रहा, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए हो रहा है। ऑफिसर सख्त है, कहीं हमें सस्पेंड न कर दे। भगवान को पूरा वीटो पावर मस कही करही विरंची प्रभु, आज ही मसक ते हीन अस विचार नभ गे सुनु राम ही भजे ही प्रभु। मस्कई करें विरंची प्रभु, मस्कई माने मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और अजय ही ब्रह्मा को मसकते ही मच्छर से भी छोटा रूप दे दे, माने बैक्टीरिया बना दे, यही तो अर्थ हुआ। इसीलिए बड़े बड़े बौद्धिक लोग भी भगवान का भजन करते हैं। वो भगवान आने वाले हैं, ब्रह्मा को भी हटा सकते हैं पावर से, इंद्र को वरुण को कुबेर को सबको हटा सकते हैं। तो सारे देवता अपना विभाग मेंटेन कर रहे हैं, कहीं कोई फॉल्ट में पकड़ी जाए। तो वन विभाग का जो देवता था वो वन को ठीक कर रहा, वनम कुसुमितम दिव्यम राकेश कर रंजितम। वरुण देवता जल विभाग है उनके पास, जल का विभाग, जल के देवता वरुण है। इसीलिए नद्या प्रसन्न सलिला, नदियों में कहीं भी शैवाल नहीं है, काई नहीं है, बढ़िया स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है। भगवान देखेगा हाँ तुम्हारा काम बहुत ठीक है, और नहीं तो अगर ठीक नहीं होगा तो हमको तो भाई हटा दिया जाएगा। सारे देवता आकाश मार्ग से व्यवस्था देख रहे हैं। बरस ही सुमन सुअंजुल साजी, गा गए गगन दुंदु भी बाजी। अब धीरे धीरे
सुख पूर्वक समय व्यतीत हो रहा, सुख जुत कछुक काल चल गए, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भये। भगवान के प्राकट्य के समय में पूरा पंचांग शुद्ध हो गया। पत्रा को पंचांग कहते हैं, पंचांग इसलिए पांच अंग होते हैं, उसमें प्रधान योग लग्न ग्रह वार तिथि पांच हो गए, इसीलिए तो उसको पंचांग कहते हैं। योग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरारु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, मधुमासे सिते पच्छे नवम्याम कर्कटे सुभे। उच्चस्थे ग्रह पंच के पच्छे नवम्याम कर्कटे सुभे। मधुमासे मधुमास में, मधुमास माने इसमें मधु का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा शहद होता चैत के महीने में, बसंत ऋतु होती, बसंत ऋतु में सब पुष्पित पल्लवित फलित होते, तो इसीलिए शहद ज्यादा होता है, तो इस महीने का नाम है मधुमास, मीठा महीना। सीते पच्छे सप्तमी का एक वचन है प्रत्येक पद में, मधुमासे मधुमास में, सिते पक्षे शुक्ल पक्ष में, नवम्याम नवमी तिथि में, कर्कटे सुबे कर्कट लग्न में, उच्चस्थे ग्रह पंच के, जब पांचों ग्रह उच्च स्थान पर थे तब भगवान का प्राकट्य हुआ। तुलसीदास जी अनुवाद करते हैं, नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता। तिथि थी मधुमास शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, समशीतोष्ण जलवायु, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही, देवता मगन है, संतों के मन में उत्साह है, उत्साह है, सब लोग स्तुति करके भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आओ दो बार बड़े प्रेम से भगवान का नाम बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय राम।